क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? राहुल गांधी की आनी चाहिए। राहुल गांधी और आएगी भी उन्हीं की। बहुत मेहनत की है, ईमानदार नेता हैं, बिल्कुल गरीबों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, गरीबों की सुनते हैं, गरीबों से मिलते हैं। इनसे हम ऊपर वाले से भी ये दुआ करते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आए। अभी आपसे मुलाकात हुआ था उनका? हाँ जी, सबसे मुलाकात हुई थी। क्या बोले थे उस समय राहुल गांधी, कुछ बोले थे आपको? नहीं, उस समय तो चुनाव के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी। उस समय तो हमसे मिलने आए थे। मिलने की क्या, अब तो बस उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बस ये दिली तमन्ना है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। कभी आपने देखा कोई पुलियों से यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई बार कई नेता आए, लेकिन पुलियों को सिर्फ 5 मिनट भी नहीं देते हैं। ईमानदारी से तो कांग्रेस है, बेईमानी से बीजेपी है। 500-500 रुपये तो वीडियो हम भी देखते हैं, 500-500 रुपये देखे तो बीजेपी वाले बुला रहे हैं। अरे ये देखिए, ये बस्ती की है राजस्थान, यहाँ पे ये देखिए ये छोड़कर चले गए, इसको स्टेज को छोड़कर चले गए। 70 साल में कॉलेज, IIT, एम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, रेल, हवाई अड्डे। अब मेरे को आप ये बताओ कि बीजेपी ने क्या बनवाया? कॉलेज बनवाया, ITI, एम्स, हॉस्पिटल, रोड, सड़क बनवाया क्या? कुछ एक तो बता दो। 10 साल में वीडियो देखी थी मैंने, एक वीडियो दिखाई थी भैया ने, पत्रकार ने, तो वहाँ पानी भरा हुआ, इसमें कुछ नहीं बना हुआ, भाई पत्थर भी नहीं पहुंचे अभी एम्स बनने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं भारत न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है। आपको याद तो होगा, अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन आए थे और कुली भाइयों से मुलाकात की थी, उनके दुख दर्दों को जानने की भी कोशिश की थी। और इस वक्त हमारे साथ वही कुली भाई मौजूद है जिनसे राहुल गांधी मुलाकात करके गए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुली भाई सारे मौजूद है जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और उनके दुख दर्द को जाना था। सीधा लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम जानने वाले हैं कुली भाई के मन में इस बार वो किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। भैया क्या नाम है? मेरा हारून। क्या नाम है? हारून। हारून जी, क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? राहुल गांधी की आनी चाहिए। राहुल गांधी और आएगी भी उन्हीं की। बहुत मेहनत की है, ईमानदार नेता हैं, बिल्कुल गरीबों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, गरीबों की सुनते हैं, गरीबों से मिलते हैं। इनसे हम ऊपर वाले से भी ये दुआ करते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आए। अभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन आए थे, आपसे मुलाकात हुआ था उनका? हाँ जी, सबसे मुलाकात हुई थी। क्या बोले थे उस समय राहुल गांधी, कुछ बोले थे आपको? नहीं, उस समय तो चुनाव के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी। उस समय तो हमसे मिलने आए थे, क्योंकि हमने एक बार बोला था कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, तो वो वीडियो क्लिप शायद उनको देखी होगी, तो वो उससे वजह से मिलने आए। एक बार फिर से मिलना चाहते हैं, चुनाव से पहले मिलना चाहते हैं, उम्मीद है तो बोल दीजिए कैमरे पे। नहीं देखिए, अब तो मिलने की क्या, अब तो बस उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बस। मतलब आप लोग सारे जितने कुली लोग हैं, सब ऑल इंडिया के कुली, उनको बस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बस। मोदी नहीं आना चाहिए इस बार, ये दिली तमन्ना है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा गरीबों का कोई सुनेगा। गरीबों को सुनने वाले वो ही हैं राहुल गांधी जी, गरीबों के मसीहा हैं, सुनते हैं हमेशा, उनसे मिलते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। कभी आपने देखा कोई कुलियों से यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई बार कई नेता आए, लेकिन कुलियों को सिर्फ 5 मिनट भी नहीं देते हैं। लेकिन भाजपा वाले तो, राहुल गांधी जी ने उस समय हमें करीब 1.5-2 घंटे का टाइम दिया था। अच्छा, लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं राहुल गांधी का ऐसी स्टंट है, चुनाव से पहले इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बन जाए फिर भूल जाएंगे। नहीं नहीं, जो हर नेता करता है, कभी नहीं भूलते। इससे पहले भी मिले थे 2014 में, इससे पहले भी मिले थे राहुल गांधी जी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए थे तब में। अच्छा, मिले तब भी मिले थे। अभी आप लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है, कुछ है? धंधा तो आप देखिए ना, इधर कैमरा घुमाइए भैया, इधर कुछ दिख रहा है? कोई भी कुछ सन्नाटा सारा, पैसेंजर ही नहीं है। देखो स्पेशल ट्रेन चल रहा है 15-15, 20-20, और इधर देखो एक भैया दिख रहा है हमारे नफीस तरह, जो कांग्रेस के समय में जो उन्होंने हमें ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी, उसी तरीका से हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। आप लोग चाहते हैं कि स्थायी नौकरी मिल जाए? हाँ, जिससे हमें दिक्कत ना। अब क्या होगा, 100, 200, 300, 400 में क्या होगा? लेकिन आप बार बार राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, अभी हाल ही के दिनों राहुल आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही यहाँ पे कुलियों का। अभी आप बार बार लगातार राहुल गांधी के जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी गरीबों के मसीहा है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जहाँ जहाँ से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, बड़े बड़े दिग्गज नेता ही छोड़ के चले गए उनको, राहुल गांधी किसी को सुनते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़कर चले गए, राहुल गांधी जी के साथ में वो दोबारा जुड़ेंगे, राहुल गांधी की सरकार आएगी वो फिर दोबारा जुड़ेंगे, राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। क्या नाम है भैया आपका? तौफीक। तौफीक जी, क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे? राहुल गांधी, कांग्रेस। राहुल गांधी, कांग्रेस। ईमानदारी से तो कांग्रेस है, बेईमानी से बीजेपी है।
बेमानी का तो बीजेपी आ जाएगा। एक आदमी की रैली चल रही है उसमें लाखों की भीड़ है, एक की में 5,000 की, तो 5,000 वाला कैसे जीत रहा समझ ही नहीं आ रही कुछ। वाले कह तो रहे 500 रुपए देके बुलाया जा रहा है। कौन 500 रुपए? तो वीडियो हम भी देखते हैं, 500 रुपए देके तो बीजेपी वाले बुला रहे हैं। तो ईमानदारी से तो कांग्रेस आनी चाहिए, बेईमानी से ईवीएम के घपले से तो बीजेपी फिक्स है। क्या नाम है भाई आपका? सद्दाम। सद्दाम जी कब से यहाँ ये वाला काम कर रहे हैं? कुली वाला 16 साल हो गए। ये देखिए आप बीजेपी की रैली में, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, ये बस्ती की है राजस्थान, यहाँ पे ये देखिए, ये छोड़कर चले गए इसको, स्टेज को छोड़कर चले गए। लगातार इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर भी इसको जीतता हुआ दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। क्या कांग्रेस ने क्या कर दिया ऐसा? जो बहुत कुछ कर दिया जो बीजेपी ने नहीं किया वो कांग्रेस ने कर दिया। क्या क्या है भाई? 70 साल में किया किसने? 70 साल जी, 70 साल में कॉलेज, आईआईटी, एम, स्कूल, हॉस्पिटल, रेल, हवाई अड्डे। अब मेरे को आप ये बताओ कि बीजेपी ने क्या बनवाया? कॉलेज बनवाया, आईटीआई, एम्स, हॉस्पिटल, रोड, सड़क बनवाया क्या? कुछ एक तो बता दो। 10 साल में बीजेपी कह रही है ना, कांग्रेस के पिछले 50 साल में 7 एम्स बने, हमने 32 एम्स। ये 7 एम्स किस जगह बने, किस एरिया में? अलग अलग जगह बने। कहाँ बने? एक आध बताओ। पटना में बन गया, पटना में एम्स। सुने थी वीडियो देखी थी मैंने, वो ताला भरा पड़ा है पानी का, उधर वीडियो देखी थी मैंने, एक वीडियो दिखाई थी भैया ने, पत्रकार ने, तो वहाँ पानी भरा पड़ा, इसमें कुछ नहीं बना हुआ, भाई पत्थर भी नहीं पहुंचा अभी एम्स बनने के लिए। हाँ तो भैया क्या बोल रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार किसी की पड़ेगी? 70 सालों से सरकार चली आ रही है, बहुत अच्छी सरकार थी ये। पंचभक्तों को आजादी मिली है 2014 के बाद, नहीं पहले आजादी तो कांग्रेस के जमाने में मिली थी, हिंदू मुसलमान सभी मिलके लड़े थे। और ये अंतभक्त है ना, इनको आजादी चाहिए। सब उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाना खाते थे उस समय। हाँ सब अलग अलग हो गए लग रहा है। अब मैं बताऊँ आपको, 2014 के बाद कांग्रेस की सरकार थी, हर साल वर्दी मिलती थी 2-2, 3-3। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देख लो, वर्दी नहीं मिल रही मेरे को, 8 साल हो गए यहाँ, एक बार वर्दी मिली है। ये देखो ये अब कहाँ से मोल ला के खरीदे? मोल पैसों से लेके इतना तो काम नहीं है, 100 रुपए तो सभी से कमाए और ये कर रहे हैं। देखो सबकी फटी, देखो ये सबकी फटी बड़ी है, क्योंकि मिलना ही बंद हो गए, खा गई सरकार की तरफ से। ये सरकार तरफ से मिलती थी, ये रेल सरकार तरफ से मिलती है, मिलना ही बंद हो गए। किसी की इतनी फटी है, किसी की इतनी फटी है, मतलब फटी नहीं है, किसी की नहीं मिली। सुनिए हमारे लिए, हम भी मजदूर, हमारे लिए आपके क्या क्या ये तस्वीर पहले हुआ था, लालू जी ने किया था 2007-8 में, उस समय तो उस समय हमें ग्रुप डी में नौकरी दी थी, हमारे बच्चों का लिए मेडिकल सुविधा सब कुछ दिया था। अब हम फिर उसी स्थिति में हो गए, फिर से चाहते हैं कि हमें फिर दोबारा से ग्रुप डी में दिया जाए, इसका दर्जा दिया जाए, जिससे हमें स्थायी छुट्टी मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? इमरान जी, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार? देखो 90% तो सब लोग राहुल गांधी के हैं, क्योंकि मोदी सरकार सब परेशान, सारे लोग परेशान है, आप लोग भी परेशान है, सभी परेशान है। अच्छा राहुल गांधी यहाँ आए थे ना आनंद विहार, मिले थे सभी? मिले। क्या कुछ बोले, कोई मैसेज दिए राहुल गांधी? गरीबों के साथ है ऐसे बताया मान की अपनी सरकार आएगी तो बढ़िया हो जाएगा काम, अब अपन को तो गरीब आदमी को बढ़िया चाहिए। लग रहा है राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? तो ये अच्छा बन जा तो बढ़िया ही। क्या लगता है भैया आपको बनना चाहिए भाई राहुल गांधी को? एक बार आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा भैया क्या नाम है? राम। क्या मुबारक? मुबारक कहाँ से है? राजस्थान में। राजस्थान में इस बार सरकार चेंज हो गई कांग्रेस की? हाँ क्या नहीं मिली कहा जमील गलत हुए हैं कांग्रेस राजस्थान में रहेगी कांग्रेस की अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है पता है ना, कल वोटिंग है, अलग अलग राज्यों में वोटिंग है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बननी चाहिए हमारे पास, 10 साल से इसमें देखते आ रहे कुछ। मोदी ने कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया, देश बर्बाद हो गया है। अडानी अंबानी का नाम सुने हैं? कांग्रेस पार्टी कहते हैं सारे मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, ठेके पे दे दिया उन्होंने। अगली बार योजना देख लो, मोदी गए काम से साफ। राहुल गांधी कह रहे हैं ना अगर हमारी सरकार है अग्निवीर योजना को फेंक देंगे, हम हटा देंगे। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, हटा देंगे।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नफीस। नफीस कहाँ से है? अभी राजस्थान? राजस्थान। कब से कर रहे वाला काम? एक बार अच्छा इतना डेली पे इतना कमा लेते हैं, खर्चा चल जाता है 5-6। समझाता खर्चा पानी चलेगा। तो आपने देखा इस वक्त हम लोग आनंद विहार में मौजूद है। यहाँ पे हमने पुली भाई से जाने की कोशिश की कि 2024-21 की सरकार बन रही है और ये लोग दिल से चाहते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को हम सत्ता में दिखना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी गरीबों के मसीहा है। कैमरा पर्सन अमन बड़ियार के साथ हर्ष राज, भारत न्यूज इंडिया।